पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। विद्यार्थियों की पहले और दूसरे घंटे में धीमी गति थी, लेकिन 10 बजे बाद विद्यार्थियों में आना अधिक संख्या में चालू हो गया है। पहले दो घंटे में 7.2% मतदान हुआ है। हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वे आई कार्ड से मतदान कर रहे हैं। 8,350 वोटर्स में से कल तक 5,800 से अधिक विद्यार्थियों ने आई कार्ड ले लिए थे। शेष के लिए आज दोनों द्वार पर व्यवस्था की गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वार पर कला संकाय के विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं। वहाँ शेष विद्यार्थियों को फीस रसीद और आधार कार्ड के आधार पर आई कार्ड बांटे जा रहे हैं। इसी प्रकार वाणिज्य और विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को महाराजा सूरजमल द्वार से एंट्री मिल रही है, और उसके बाहर जिन विद्यार्थियों ने आई कार्ड नहीं लिया है उन्हें बांटकर एंट्री दी जा रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर आई कार्ड की व्यवस्था कल तक 70% बट गए थे और आज 10% या इससे अधिक बटने की संभावना है, जो कि सामान्यतः पिछले वर्षों में 50% से अधिक आई कार्ड नहीं बटा करते थे। तो इस बार हमने 70% आई कार्ड कल तक बांट दिए हैं और शेष 30% में से कुल 10% और चले जाएंगे तो 80% आई कार्ड हमारे वितरित हो जाएंगे, और वोटिंग का जो प्रतिशत है वो गत वर्ष की तुलना में मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। कला संकाय के विद्यार्थी लाल बहादुर शास्त्री भवन में मतदान कर रहे हैं और उसमें कुल 11 बूथ हैं। इसी प्रकार विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन में मतदान कर रहे हैं। वह हमारे कुल 13 मतदान केंद्र बनाए हुए हैं। हमारे महाविद्यालय के 160 एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अतिरिक्त हमारे परमानेंट एम्प्लॉय और सहायक कर्मचारी, और कुल मिलाकर करीब 300 व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन के व्यक्ति अतिरिक्त लगे हुए हैं। हमने 10 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को भी नियुक्त किया था, उसमें से 8 ऑब्जर्वर आ गए हैं और इंडिपेंडेंट रूप में अपना काम देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रिपोर्ट बना रहे हैं। हमने पूर्ण रूप से निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव की जो मंशा जाहिर की थी वह विद्यार्थियों हम लोगों के हिसाब से और प्रशासन के सहयोग के हिसाब से चल रही है। जिलाधीश महोदय के द्वारा भी 3 पर्यवेक्षक यहाँ लगाए गए, वे भी निरंतर अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्य में बराबर से कंधा मिलाकर अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं और मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने में सहयोग दिया है। नहीं, कॉलेज प्रशासन ने हमने हमारे टीचर्स को और पुलिस प्रशासन के दोनों के आदमी आप देख रहे होंगे कि हर 25 मीटर पर लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा बात भी कर रहा है तो वो उन्हें टोक रहे हैं कि भाई बात नहीं करें, प्रचार नहीं करें। अगर कॉलेज कैंपस में एक नहीं अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं उन्हें पुनः एक राउंड में अभी ले रहा हूँ, और आप देखेंगे कि उन्हें हम तुरंत बाहर कर देंगे।